दोस्तों नमस्कार, वन मैन रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो ट्रू ओएमआर हैं, जिसे हम कहते हैं कि वाकई में एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान में, दुनिया में क्रांति ला दी। जो हमारा मकसद है कि हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएं जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाए, आप उनसे कुछ सीख पाएँ कि उन्होंने एक ज़िंदगी में। दोस्तों अमूमन हम ये कहते हैं कि हम कोई भी काम कर लें, काम करना कुछ ज़िंदगी में हमने जो सोचा हुआ है, जो लक्ष्य है, उसे पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है ये सोच के कि कोई आदमी, कोई शख्स एक ज़िंदगी में इतना काम कैसे कर सकता है। मैं आज जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, मेरी खुशनसीबी है श्रीमान जगदीश गांधी जी। क्रांति केवल वही नहीं होती जब 8-10 हज़ार लोग सड़कों पर निकलें और एक नया परिवर्तन आए। बहुत सारे लोग शांति से बैठे अपने दफ्तरों से, अपने घर से, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियां लाती हैं। ये शुरुआत है ऐसे लोगों से बातचीत की, जिससे हमारे युवा या हमारे वो लोग जो कुछ सीख सकें अपनी ज़िंदगी में। अगर वो कोई चैलेंज देख रहे हैं तो उसको कैसे फेस करना है, उसे कैसे आगे निकलना है, उसको हम यहाँ से जानें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा सानिध्य रहा है, आपसे इतनी पुरानी जान पहचान भी है। सबसे पहले तो यही है कि जो मकसद, जैसे मैं आपसे मिला कि वन मैन रेवोल्यूशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो वाकई में एक एग्जांपल है कि एक इंसान अकेला ज़िंदगी में क्या कर सकता है, तो इसका क्या वाकई में एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है? एक तो ये है, अकेला यदि ये समझ ले कि उसके साथ कोई दूसरा भी है, उसको पहचान ले, तो अकेला नहीं रहता, वो महान शक्तिशाली का मार्गदर्शन मिल जाता है। और जब मार्गदर्शन मिल जाता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ भगवान के 1000 हाथ भी आ जाते हैं। तो ये कुछ भगवान के हाथ आने के साथ ये सारा काम शुरू हुआ है। हमने जो भी किया है वो केवल ये सोच के किया कि प्रभु क्या चाहता है। मेरा मानना यह है कि आई बियर विटनेस टू माई गॉड द दास क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी। मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूँ और तेरी पूजा करूँ। तुझे जानने के माने तेरी आज्ञाओं को, तेरी शिक्षाओं को जानूँ और तेरी पूजा करूँ, माने उन शिक्षाओं पर चलूँ। हम ये चाहते हैं कि युवा क्या सीख सकते हैं, और ख़ास तौर से आपसे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि हर बच्चे के मन में ये होता है कि ज़िंदगी में मैं कुछ आगे बढ़ूं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मैं वहाँ जाना चाह रहा था कि जगदीश गांधी जो पैदा हुआ था जगदीश अग्रवाल के तौर पे, तो एक तो जगदीश अग्रवाल से जगदीश गांधी कैसे हुए, और उस बचपन की भी हम बात करेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि जगदीश अग्रवाल जगदीश गांधी कैसे। देखिए ये मैं मेरे चाचा जी थे प्रभुदयाल जी, वो अंकल थे मेरे, तो वो जेलों में जाते थे महात्मा गांधी के साथ। मैं गांव का रहने वाला हूँ, जिला अलीगढ़ में, बरसोली गांव है मेरा, तो वहाँ वो जब भी आते लौट के छूटते तो वो आके गांधी जी के बारे में बताते थे। गांधी जी के साथ जेलों में रहे, गांधी जी के इतने क्वालिटीज़ और इतनी महान उनकी शिक्षाएँ सब बताते थे। तो मेरे मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा पैदा हुई कि मैं इनसे कभी दर्शन करूं। तो मैं अपने चाचा जी से जब भी आते थे तो ये कहता था कि मेरे गांधी जी को दर्शन कराइए, उनका मैं कराऊंगा। और फिर आज़ादी मिलने का वक्त आया तो उनका आज़ादी मिल जाएगी और मिलने वाली है, जैसे ही आज़ादी मिल जाएगी मैं मिलवा दूंगा। मैं एक टीचर के घर से पढ़ के आ रहा था, 30 जनवरी 1948 की बात है, तो एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे, 40-50 लोग, तो गुम सुम चुपचाप। तो मैंने इससे पूछा, मैंने भाई ये क्या मामला है, इतने लोग खड़े हैं गुम सुम चुपचाप, ये क्या बात है? तो उनका बड़ी बुरी खबर है। क्या खबर है? गांधी जी को किसने गोली मारी, अभी रेडियो पर आया है। इट वॉज सच ए शॉक टू मी कि जिस महात्मा गांधी के मैं दर्शन करना चाहता था, जिसके लिए चाचा जी ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद मैं मिलवाऊँगा तुम्हें, तो वो आज़ादी मिली, नौकाली कांड हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, गांधी जी उसमें विजयी हो गए। 5.5 महीने बाद 15 अगस्त को आज़ादी मिली, 30 जनवरी को उनको शहीद कर दिया गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पर मुझे इतना दुख हुआ, मैं 11 वर्ष की उम्र में था, शायद मैं 6 क्लास में था, तो मेरे को इतना दुख हुआ कि मैं गांधी जी के कभी जीवन पर्यंत दर्शन नहीं कर पाऊँगा।
तो देन आई डिसाइडेड टू चेंज माई नेम. तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि जगदीश अग्रवाल की जगह मेरा नाम जगदीश गांधी करने की दरख्वास्त आप दे दीजिए, और वो मान गए. उन्होंने दरख्वास्त तो दे दी. कभी ना मिलने की जो वो एक दुख था उसको हमने सरनेम से व्यक्त किया. और फिर निर्णय किया कि गांधी जी के तरह मैं रास्ते में चलूँगा. लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी, आई विल नॉट फॉलो द बीटन ट्रैक. मैं उस रास्ते नहीं चलूँगा जिस रास्ते अन्य महापुरुष चले हैं. मैं उनसे प्रेरणा लूँगा, लेकिन अपना रास्ता में प्रभु की सेवा और समाज की, प्रभु की भक्ति और समाज की सेवा के लिए अपना रास्ता खुद चुनूंगा. उन्होंने तक ले लिया, चरखा लिया, अहिंसा लिया, और उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना. तो किसी महापुरुष के रास्ते पर नहीं चले. अन्य महापुरुष संसार में आए तो उन्होंने कहा कि आई विल नॉट फॉलो द बीटन ट्रैक. उस ट्रैक पर मैं नहीं चलूँगा जिसमें चल चुके. और मैंने भी निर्णय किया आई विल नॉट फॉलो द बीटन ट्रैक, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा. दोस्तों आज जिस बारे जो हमारा शो है वन मैन रेवोल्यूशन, मुझे लगता है कि हम उस मतलब उसके पीक पे हैं. यहाँ के गांधी जी बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, और ये दो ऐसे शख्स, और आज हम गांधी जी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल है वहाँ पर हम लोग हैं, और बात ये कानपुर ब्रांच है जो बहुत बड़ी ब्रांच है. हम लोग अभी और बातें करेंगे आपसे, और मुझे बड़ी खुशी है कि वन मैन रेवोल्यूशन की ये क्या, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान को इतनी सदियों की जो उसकी दास्ता से उसको उठाकर आज़ाद करवा दिया, उनका एक भक्त, बच्चा भक्त 11 साल का, उसने आज हिंदुस्तान में शिक्षा की जो अलख जगाई पिछले 50-60 साल से, उनके ज़िंदगी के और कई पहलुओं पे हम बात करते हैं. आइए, तो वहाँ से अलीगढ़ से फिर लखनऊ आपका आना हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे. ये बड़ी ड्रामेटिक है, हमको परमात्मा ही ले आया. हम तो गए थे बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. अच्छा. और ये था कि हमको अंदाज नहीं था कि बनारस यूनिवर्सिटी शहर के बहुत बाहर है. अब तो शहर के अंदर आ गई, पूरा बस गया है, लेकिन तब वो बहुत दूर थी, करीब 10 किलोमीटर शहर से दूर थी. तो हमने कहा कि हम साइकिल हमारे पास थी नहीं, न पैसे थे साइकिल ख़रीदने के. तो हमने कहा कि ट्यूशन करके पढ़ना है तो हम ट्यूशन करेंगे और वहाँ पढ़ाएंगे. तो 10-12 किलोमीटर आना, 10-12 किलोमीटर जाना, तो बहुत समय लगेगा और हमको मुश्किल पड़ जाएगी जी. तो हम लोगों ने पूछा कि भाई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो शहर के अंदर हो. तो लोगों ने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, दो शहर के अंदर है. तो हमने कहा भाई वहीं चले. तो मेरे साथ लड़का था महेंद्र सिंह, तो हमने कहा भाई चलो इलाहाबाद या लखनऊ, कहाँ चलोगे? अरे कहीं चलिए. तो चलिए ठीक है, स्टेशन पहुँच गए, लाइन में लग गया महेंद्र का, और बार बार पूछे कि कहाँ का टिकट ले रहे हैं. मैं यार कहीं का भी ले लो, दोनों तो अंदर हैं, हम तो जानते नहीं, न कभी इलाहाबाद गए न लखनऊ गए, चाँजा की ले लो. अब होते होते टिकट बाबू के पास पहुँच गया. टिकट बाबू ने पूछा कहाँ की टिकट ले गए, फिर उसने मुझसे पूछा कहाँ की ले लूँगा, लखनऊ की इलाहाबाद की. तो मैंने कहीं की भी ले लूँ. तो वो बाबू बोला कि अरे बेफू, तुम्हें ये नहीं मालूम कहाँ जाना है, लो लखनऊ की टिकट जाओ. ये नहीं मालूम, उन्होंने डांटा और लखनऊ की टिकट दे दी और हम लखनऊ आ गए. तो लखनऊ आ गए. तो हमारा तो फिर हमने पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी कहाँ है. पूछते पूछते सर पे हमने अपना बक्सा रखा, उसमें रजाई भी थी, गद्दा भी था, तकिया भी था, चादरी भी थी, किताब कॉपी भी थी. तो हम सब लेकर के लोगों से पूछा कि भैया यूनिवर्सिटी कहाँ है. तो उन्होंने कहा तांगा कर लो. उस समय तांगे चलते थे. अच्छा. चारा ने पैसे पड़ेंगे. हमने वहाँ इतने पैसे हमारे पास कहाँ है भैया, तो हम तो पैदल ही जाएंगे. तो हमने सर पर रखा और लोगों से पूछते पूछते लोगों ने कहा भाई ऐसे ही चले जाओ, ये विधानसभा मार्ग आएगा और वहाँ से हजरतन चले जाना, और उधर से यूँ मुड़ जाना, पूछ पूछ के चले जाना. तो हम अपने जा रहे थे. तो वहाँ जब पुल पर पहुँचे तो देखा अब तो उधर हो गए, मंदिर इधर देखिए हमने. अच्छा. अरे हमने कहा काम बन गया हमारा. अच्छा. तो अब यहाँ स्वामी जी धूमी निभाए थे. तो मैंने कहा बस यहीं चलो. स्वामी जी के चरण में गए, जाके चरण स्पर्श किए, उनके चरणों में लेट गए कि महाराज हमारे पास पैसे नहीं हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, और आपकी कृपा हो जाएगी बच्चा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें अपना बक्सा रख दो हमारे मंदिर में किनारे, और यहाँ हमारे पास इतना आता है, रोटी आती है, दाल आती है, सब्जी आती है, हम तो खा नहीं सकते, तो तुम भी खाना, और सामने वो डाट पड़ी हुई है उसमें तुम सो जाना, वहाँ पर तमाम सो जाते हैं लोग,
रिक्शे वाले चपरासी सब आते हैं, बहुत बढ़िया, तो सोने का इंतजाम हो गया और खाने का इंतजाम हो गया, और फिर उन्होंने 12 रुपये फीस के दे दिए, तो हमने अपना दाखिला करा 12 रुपये फीस के पड़े यूनिवर्सिटी में। हाँ, उस समय 12 रुपये पड़ते थे, तो हमारा दाखिला हो गया था यूनिवर्सिटी में। फिर एक मिश्री लाल नाम के आदमी थे, मंदिर में उनका ऊपर एक कमरा था, तो उन्होंने कहा यार तुम हमारी रोटी बना सकते हो, बना दे, और हमारे चौका बर्तन कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, लगा देंगे। तो बोले ठीक है, हम तुम्हें खाना देंगे और तुमको सब कर देंगे। तो हमने बहुत बढ़िया, हमारे खाने का बढ़िया इंतजाम हो गया, तो हम रहने का भी हो गया, तो हम बस खाना बनाते थे, रोटी बनाते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे, इससे हमने शुरुआत की। तो फिर आपका एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो गया। हम बोरी के कपड़े पहन के जाते थे, टाट के। अच्छा, उसका कहानी यह है कि मथुरा में पढ़ते थे हम, चंपा अग्रवाल कॉलेज में, तो एक मेहतर जिसकी दो बेटियों की शादी थी हमारे पास आया कि साहब वो हमारी दो लड़कियों की शादी है, कुछ आप दे दीजिए। तो उसी दिन बाई चांस पैसे आए थे मेरे पास, पिताजी थे, सर्दियाँ आने वाली थी कि सर्दियों के लिए ऊनी कपड़ा कुछ खरीद लेना, ऊनी कोई भी। तो वो हमने कहा कि थोड़े से पैसे रोक के हमने टाट के कपड़े बनवा लिए, बाकी सब पैसे उसको दे दिए मेहतर को। तो उसकी शादी, लड़की की शादी में, तो बोरी के कपड़े पहनने लगे, मोटा मोटा, बहुत मोटा टाट होता था। अच्छा, हाँ, हमने कहा इससे जाड़ा भी चला जाएगा और ये अच्छा रहेगा, तो उसे कपड़े सिला लिए हमने। तो वहाँ से जब आए तो वही टाट के कपड़ों में यूनिवर्सिटी जाते थे, नंगे पैर नंगे सर जाते थे। तो शुरुआत बस ऐसी हुई। तो फिर वो वाला एक किस्सा है जो आपने मुझसे जिक्र किया था कि जब आपने इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का लड़ा, हम जीत गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। फिर हम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, उसमें भी जीत गए, प्रेसिडेंट हो गए। तो क्या आप क्या कहा करते थे, क्या मतलब, जैसे आप किस मतलब किसी पार्टी का कुछ ऐसा था क्या? इधर से हमारे लड़के हमारे चपत मारा करते थे, यहाँ कोई इधर से कोई इधर से, वो इंटरवल में सब करते थे। तो एक दिन आए कैसी सरकार, प्रॉक्टर थे हमारे, तो उन्होंने देखा कि लड़के इसे सता रहे, तो उन्होंने जल्दी से आए, डांटा, तुम लोग क्यों सता रहे हो उसे, और हमको पकड़ के ले गए अपने ऑफिस में, बोले इन सब के खिलाफ शिकायत दो तुम, और कहो मैं अभी सबको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैंने कहा सर ये तो मेरे मित्र है, तो इंटरवल में कभी कभी एंजॉय करते हैं हम लोग सब, तो कोई शिकायत नहीं है तुम्हें, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता? नहीं सर, बुरे की बात क्या, तो मेरे दोस्त हैं। तो वो बड़े अजीब आदमी हो, कोई शिकायत नहीं की। तो उन लड़कों ने ही हमारा प्रचार किया और हमें प्रेसिडेंट बना दिया। अच्छा, उन्हीं लड़कों ने बहुत प्रचार किया, और हम एक गाना गाते थे। अच्छा, दो गाने थे, एक गाने में हम सुनाते थे, आज देश को नए विचार चाहिए, आज देश को नए विचार चाहिए, अब न सहन होगी बेबसी की यातना, अंत स्वयं कर रही सृजन की साधना, आदमी का शत्रु आज आदमी बना, तो एक दूसरे से आज हो रही घृणा, तो आदमी को आदमी का प्यार चाहिए, आज देश को नए विचार चाहिए। तो लड़के कहते थे कि जाओ आधे वोट तुम्हारे क्लास के पक्के हो गए, और एक गीत और सुनाओगे तो पूरे वोट हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब एक गीत की और डिमांड हुई। एक गीत की डिमांड और होती थी। तो हमने सीख रखे थे, बलबीर सिंह रंग का गाना है, एटा के कवि थे, उनसे गाना सीखा था। उनका दूसरा गाना था, ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली भी शाम न समझो, तुमने वज्र प्रहार किया था पराधीनता की छाती पर, तो देखो वाचन आने पावे जन जन की सौंपी थाती पर, तो युगारंभ के प्रथम चरण को गतिविधि का विश्राम न समझो, ओ विप्लव के, ये मंत्रियों से था जो आज़ादी मिली थी, ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो। तो कहते जाओ पूरी क्लास की वोट पक्के हो। अच्छा। तो हर क्लास से मांग आने लगी कि गांधी जी हमारी क्लास में आइए, गाना सुनाइए। अच्छा। तो वो फेमस हो गए गाने वाले गांधी जी। गाने वाले गांधी जी। हाँ, और सबने वोट डाले। हमारे खिलाफ कौन थे? ऑल इंडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फेडरेशन के अध्यक्ष जो आजकल हैं, विक्रम राव। अच्छा, शैलापत राव के लड़के, नेशनल के एडिटर के। अच्छा, ये हमारे खिलाफ थे। और इसके अलावा थे प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा,
भगवती चरण वर्मा के लड़के. अच्छा. तो ये हमारे खिलाफ थे. और एक थे समाजवादी पार्टी के टीपी सिंह, वो भी बड़े अच्छे थे. तो इनके साथ 500-500 लड़के का जुलूस चलता था. हमारे संग कोई नहीं, हम किसी को ले ही नहीं जाते थे. अच्छा. हमारे कॉमर्स फैकल्टी के लोगों ने कहा हम सब चलेंगे आपके संग. नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, वोट तो मुझे लीजिए, मैं आपको क्यों ले जाऊँगा. तो हम अकेले ही जाते थे. अच्छा. और जीत हमारी इतनी बड़ी हुई कि इन सब की जमानतें जब्त हो गई. अच्छा. हम जीत गए हाईएस्ट नंबर वोटों से, प्रेसिडेंट हो गए. वो भी एक अजीब किस्सा है. जो आपको एक ऐसा व्यक्ति जिसने वोट नहीं दिया वो मेरी भारती गांधी मेरी वाइफ है. उन्होंने कहा लड़के गुंडे होते हैं, किसी को वोट नहीं दिया, किसी को वोट नहीं दिया. भारतीय गांधी जी ने कहा कि भाई लड़के गुंडे होते हैं, मैं वोट नहीं दूंगी, किसी को वोट नहीं दूंगी. और उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया. और बाद में पत्नी बनी? बाद में पत्नी बनी. तो क्या करता था वो? इसीलिए 60 वर्षों से अब वो गुलामी कर रही है. एक वोट दे देती तो काहे को इतनी परेशानी होती. वो एमएड कर रही थी, हम एमकॉम फाइनल में थे. अच्छा. हम प्रेसिडेंट हो गए. फिर हमने तो शादी का कैसे बस हम हर मंदिर में जाते थे और एक ही प्रार्थना होती थी, भगवान मेरी शादी न करना, मेरी शादी ना करना, ना करना बस. और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मैं सोचता था मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, ट्यूशन के पैसे आते हैं, बहुत कम आते हैं, 2-4 रुपये ट्यूशन के मिलते थे. तो मैंने कहा मैं रोटी तो खिला नहीं पाऊँगा, कपड़े दे नहीं पाऊँगा, तो मैं किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ. ये था इसके पीछे. तो मैं बद्रीनाथ केदारनाथ के मैं तीर्थ स्थानों में बहुत जाता था. अच्छा. बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी सब जगह गया हूँ मैं. तो उसमें बच्चों वो टूर जाती थी जी हमारे, उसमें मैं भी जाता था. तो नारदानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य बने, उनका सत्संग था, वो उनके साथ में गया था बद्रीनाथ केदारनाथ नैमिषारण्य के जी. तो वो उन्होंने सत्संग किया अमीनाबाद में झंडे वाले पार्क में, बहुत ऊंचा मंच था जी. तो उन्होंने ऊपर बुला लिया मंच पे मुझे, नीचे देखा तो मैं उनके पास बैठा रहा. रात के कोई 12 बजे हो गए, मैंने देखा कि लड़की सत्संग में बैठी है, मर्दानी साड़ी पहने. और हमने कहा ये तो कल यूनियन में आई थी, हम प्रेसिडेंट हो गए थे, ये तो यूनियन में आई थी किताब इशू कराने के लिए. तो कल लाइब्रेरी नहीं था तो मैंने किताब इशू की थी. ये तो एमएड में है, एमएड में लड़की और यहाँ बैठी है सत्संग में मर्दानी साड़ी पहन के और रात के 12 बजे. मैंने कहा ये इससे शादी हो जाए तो ये तो कुछ मांग नहीं करेगी, तो कोई हर्ज नहीं. तो मैंने कहा भगवान इससे हो जाए तो ठीक है, इनकी तो कोई डिमांड नहीं होगी. तो जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ नीचे आए, मेरे बहन जी नमस्कार. तो उन्होंने नमस्कार किया, बोले कि मेरे पिताजी हैं इंजीनियर थे रेलवे में, चीफ इंजीनियर. तो उनका मेरे पिताजी हैं एसी अग्रवाल, उनकी लड़की थी. तो मैंने पिताजी हमारे घर आइएगा कल. बोले कि आप कौन हैं, क्यों? तो मैंने कहा मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ. तो बोले ऊपर से नीचे तक देखे, आप प्रेसिडेंट हैं? धोती कुर्ता पहनते थे हम. अच्छा. यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं? तो उनकी बेटी ने कहा हाँ ये हमारे प्रेसिडेंट हैं. तो खैर वो राजी हो गए कि मैं आ जाऊँगा. सवेरे आए तो मैं गेट पर ही खड़ा था. मैंने कहा पिताजी अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दीजिए, अपनी बेटी की. अच्छा. अरे ये कोई तरीका है, आपने चाय पे बुलाया गेट पर? ये कह नहीं नहीं. मैंने कहा आइए आइए अंदर आइए. मैंने बता दिया कि क्यों बुलाया आपको. अच्छा. हाँ मैंने कहा कर दीजिए. मतलब आपने बाहर ही उनको बाहर गेट पर घर में घुसने से पहले? ना ही घर में घुसने के पहले ही मैंने कहा अपनी बेटी की शादी कर दीजिए सीधे सीधे. तो बोले कि बेटे अंदर आए बैठे कि देखो ऐसा है कि तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम एम कॉम फाइनल कर रहे हो, वो मेरी बेटी एम एड कर रही है, तुम दोनों पढ़े लिखे हो, तुम दोनों आपस में बातचीत करो. और ये तो मतलब उस वक्त उन्होंने हाँ वो इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे रेलवे के, बहुत बड़ी. अच्छा. लर्नर आदमी थे. तो उन्होंने कहा देखो आजकल तो पढ़े लिखे लड़के आपस में बातचीत कर लेते हैं, उनका यदि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं. तो मैंने अपने घर का पता दीजिए, तो उन्होंने पता दिया. मैं नेक्स्ट डे पहुँच गया. तो मैंने उनसे बातचीत की इनकी बेटी से, भारती जी से. मैंने 2-3 बातें कही. मैंने कहा देखो अच्छा एक बात बताइए, आप खादी के कपड़े पहन सकती हैं? बोले मैंने खद्दर बनाना भी सीखा है बीए में, वीविंग मेरा कोर्स था कानपुर में डीएवी कॉलेज में, मैं वहाँ से पढ़ी हूँ तो वीविंग मैंने लिया है, तो मैं खादी बनाना भी जानती हूँ और खादी पहन भी सकती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं.
मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, यदि मैं आपको रोटी नहीं खिला पाया तो आप भूखी रह सकती हैं, रह सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं 64 रुपये महीने पे मेरे को मकान अलॉट हुआ है और 64 रुपये महीने मुझे बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं और ये मैं न दे पाया और मकान मालिक ने मकान खाली करा लिया तो सड़क पर रह सकती हैं, रह सकते हैं। हमने कहा उसने जेल भेज दिया तो जेल में जा सकते हैं, जा सकते हैं। मैंने तो शादी हो जाएगी। चलिए तो फिर शादी हो गई तो मैंने सुना कि वो इनमें आपने तो पूरे लखनऊ को इनवाइट कर लिया। जी हाँ, शादी हो गई तो फिर ये हुआ कि बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, तो हम कार्ड तो छुपा नहीं सकते थे, तो हमने एक पवन प्रिंटिंग प्रेस था उसके रामचरण भी थे, हमारे परिचित थे, हमने कहा पर्चे छाप दीजिए, तो 10 रुपये में वो 10,000 पर्चे छाप दिए, 10,000 वो भी उधार। हाँ, तो वो हमारे चाचा जी प्रभुजा जी जो गांधी जी, हाँ, वो जो आपने बताया गांधी जी के साथ, तो वो रोटी बना देते थे हम लोगों की, और बस हम और सहाय जी हमारे साड़ू थे। अच्छा, वो गांधी स्मारक निधि के डायरेक्टर थे। अच्छा, आगरा के, क्योंकि अभी डेथ हुई। अच्छा अच्छा, तो वो और हम दोनों पर्चे खाना खाया और उस बार पर्चे भरे और लटका लेते थे, शादी के पर्चे बांटते थे। तो लोको वर्कशॉप में बांटते थे, कैरिज वर्कशॉप में, जीपीओ के सामने, कैपिटल सिनेमा से लोग निकलते थे, भाइयों मेरी शादी में आना, लोग कहते थे बड़ा अजीब शादी का ऐसा भी दीवाना होगा कोई जान नहीं पहचान नहीं शादी में आना। अब उसमें तो एक पर्चा पहुँच गया बीबी गिरी का, तो बीबी गिरी जी के, हाँ, वो गवर्नर के यहाँ पहुँच गया। उस वक्त वो यूपी के गवर्नर, गवर्नर थे यूपी के, तो पहुँच गया तो ADC आए, उन्होंने कहा भाई देखो ये प्रेसिडेंट की शादी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट जगदीश गांधी की शादी है, तो जरा जाओ क्या है शादी है कब है क्या है। वो आए तो आपने गवर्नर साहब को इन्वाइट किया, अरे मेरी क्या हिम्मत गवर्नर को इन्वाइट किया, मैंने तो इन्वाइट नहीं किया, नहीं आपका पर्चा क्या है, अरे मैंने कहा अखबार में पर्चे में लगाता हूँ तो अखबार पहुँच गया होगा उसमें निकल आया। अच्छा, एनीवे आपने उनको इनवाइट किया, उनको ये हुआ कि आपने उनको इनवाइट किया। हाँ, मैंने इनवाइट नहीं किया, मैंने कहा पर्चा उसके अखबार में निकल आया होगा, उनको तो अखबारों में पर्चे हम लगाते थे कि हमारे पर्चे बढ़ जाएं तो लोगों को हो जाए। तो उस समय तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, हमने कहा हमारे यूनियन में हमारे क्लर्क हैं कुदरत मियाँ, उनका नाम है कुदरत मियाँ। अच्छा, तो बहुत फेमस थे, कुदरत चचा हम कहते थे, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा दो दरियाँ हैं यूनियन में बड़ी बड़ी हैं, तुम ले जाना तो हम दो दरियाँ मिल जाएंगे, ये बिछा देंगे और चादर बिछा देंगे, वही बैठ जाएंगे गवर्नर साहब। अरे मोटे ताजी हैं उनके लिए सोफ़ा सेट चाहिए, उन्होंने साहब सोफ़ा सेट हम कहाँ से लाएंगे, हम सोफ़ा सेट हो तो हमारे पास पैसे हों तो हम सोफ़ा सेट किराए पर ले आएं, तो हम पहले टीचरों को देंगे अपने या गवर्नर को देंगे। और आप जानते नहीं वो चांसलर हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, तो मैंने कहा साहब वो चांसलर हैं उससे बड़े तो राष्ट्रपति हैं, मेरे लिए तो मेरे टीचर ही सबसे बड़े हैं, साहब ये सोफ़ा सेट नहीं दे पाऊँगा, उनसे कहिए किसी बड़े आदमी की शादी में जाए और सोफ़ा भी मिलेगा खाना भी, मेरे यहाँ तो साहब मिश्री 2 रुपये की होगी, वो टुकड़े एक आध दाना मिलेगा मिश्री का। अच्छा, बोले आप अजीब आदमी मतलब उसने डाटा हमको ADC ने कहा बड़े अजीब आदमी, गवर्नर आपके आना चाह रहे हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो चले गए, उन्होंने जाके बताया कि साहब यही बात है तो जमीन पर बैठना पड़ेगा दरिया, बोले आई विल गो कभी। तो वो आए साहब, तो एक भाषण उन्होंने दिया, एक मैंने दिया भाषण, एक भाई ने दिया मैंने, हम लोगों ने भाषण तैयार किए अपने। अच्छा, तो शादी में भाषण हुआ। हाँ, शादी में भाषण, हम क्यों शादी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे दोनों जने। अच्छा, तो शादी में भाषण दिया हमने, तो शादी एक मकसद के साथ थी। हाँ, मकसद सेवा, समाज की सेवा करेंगे, शिक्षा के द्वारा करेंगे और हम विद्यालय चलाएंगे, यही सब चीज़ें उसमें आई। तो खैर, गिरी साहब ने बहुत अच्छा भाषण दिया, उन्होंने कहा जगदीश रिप्रेजेंट जगत द वर्ल्ड एंड भारतीय रिप्रेजेंट भारत द इंडिया द वर्ल्ड मैरिज इंडिया, और सारे अखबारों में निकला द वर्ल्ड मैरिज इंडिया गवर्नर सेट, और पूरा मंत्रिमंडल आ गया, पूरा मंत्रिमंडल आया, यूपी स्टेट का पूरा मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल आया, उसमें सीवी गुप्ता थे चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो सब आए, तो मतलब एक बहुत बड़ा हमारे जो घर है उसके ही जो आंगन है उसी में सब दरियों में बैठे, गवर्नर साहब भी दरियों में बैठे। क्या बात है। हाँ, और शादी हुई और हम 2 रुपये की मिशी लाए, हमारी वाइफ ने कूटी, प्लेट में रखी,
सबको दो दो दाने ले जाए। और वो भाई साहब मिशी आज तक लोगों को याद है, वो कहते हैं यार तेरी मिशी बड़ी मीठी थी, मैंने भूखे मार डाला, हम उस दिन खाना भी नहीं बना, शादी में जा रहे हैं प्रेसिडेंट की में पूरी सब्जी मिलेंगे, तेरे दो मिश्री दाने दिए और भूखे रह गए पूरी रात। तो ऐसी शादी, लेकिन इतना लोग प्यार करते हैं उस शादी की वजह से, जो कोई भी शादी में आए वो 2 रुपये की मिश्री को खाया, उनके मन में प्रेम बहुत हुआ है। मैंने कहा जो कितनी लोग पूरी खाते हैं सब्जी खाते हैं उनकी याद भी नहीं रहती, लेकिन मिश्री की कभी कोई भूला ही नहीं, आज तक कोई नहीं भूले, अभी भी मिल जाते हैं लोग। शादी का आदर्श आपने आदर्श भी स्थापित किया। दोस्तों जैसे आप सुन ही रहे हैं जगदीश गांधी जी के, हमारे पास ऐसी ऐसी बातें हैं बताने के लिए जिससे हम लोग ज़िंदगी में सीख भी सकते हैं। आज हम लोग शादियों में इतना खर्चा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और एक किस्सा सर और है, वो ये है कि आपने इलेक्शन यूनियन के इनॉग्रल में प्रधानमंत्री को बुला लिया था, और वो क्या किस्सा है? उसका किस्सा ये है कि जब हम प्रेसिडेंट हुए तो हमने सोचा कि किसको बुलाया जाए, तो हमने कहा कि सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बुलाया जाए, तो भारतीय जनता का बिल्कुल ठीक है, हमें चलें दिल्ली, तो दिल्ली गए। अब उनसे मुलाकात बड़ी मुश्किल क्योंकि मिलना कैसे हो, तो हमें पता लगा कि इंदिरा गांधी जो उनकी बेटी हैं वो उनके पीए भी हैं, नेहरू जी की, और पीए वो 3 मूर्ति भवन में गेट पर रोजाना मॉर्निंग में आती हैं यूथ कांग्रेस वर्कर से मिलने के लिए। तो उस समय आप जाइए उनसे मिलिए, किसी ने बताया, और उनको बताइए कि पंडित जी मिलना चाहते हैं, या उनकी समझ में आ गई तो मिलवा देंगे। अच्छा, अन्यथा मुलाकात मुश्किल है, तो चीफ मिनिस्टर से भी मिलना मुश्किल है, तो वह तो इतने बिजी हैं वो। तो हम ऐसे ही किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम पहुँच गए, और जब वो सबसे मिलनी तो हमने मिले, तो बोले हमने कहा कि हम आप कौन हैं, मैं जगदीश गांधी, आप क्या करते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऊपर से नीचे तक देखा, धोती कुर्ता और टोपी लगाए, बाल गुटे हुए, मैं प्रेसिडेंट है, मैंने लिया ये कौन है, ये मेरी वाइफ है भारतीय गांधी, वो जरा ठीक ठाक लगती है। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ऐसा भी व्यक्ति प्रेसिडेंट हो सकता है यूनिवर्सिटी में जिसके पास पैंट कोट भी नहीं है, तो उनको लगा कि बड़ा नमूना है। तो उन्होंने कहा कि देखो आजकल पंडित जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चीफ मिनिस्टर को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इतना काम है उनके पास, इतना फॉरेन का ये है, तो एक ही चीज़ हो सकती है, मैं बात करूँगी कि यदि हो सका वो राजी हो गए तो चाय पे बुला सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने ठीक है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हम गए, तो सबसे मिले ही, मिलने के बाद उन्होंने कहा आप आइए अंदर, पंडित जी ने कह दिया कि चाय पे ले आओ। तो हम भारती जी और हम दोनों चाय पे उनके इंदिरा जी के संग गए, तो इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं और भारती जी, 4 आदमियों ने 3 मूर्ति में, आप शायद अंदर गए हो तो बरामदा है, बरामदे में बैठ के वो चाय पीते थे, उनके साथ आपने चाय पी, तो उनके साथ चाय पी, और चाय के पीने के साथ साथ उन्होंने पूछा कि जगदीश तुम कैसे आए, कौन से साल की बात है ये, बात है 59 की, 59 की, हाँ 59 की। अच्छा, देश तब जब ताज़ा आज़ाद हुआ था, और नेहरू जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, ये उसे मतलब अरे वो तो बहुत बड़ी चीज थे, वर्ल्ड की फिगर तब तक बन चुके थे, बादूम सम्मेलन किया, और वो जो कौन से सम्मेलन हुए उसमें बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे, वर्ल्ड की फिगर बन चुके थे। चाय आपने पी उनके साथ? हाँ, उनके साथ चाय पी, और हम और इंदिरा जी और भारती जी, और उन्होंने चाय पी, तो बोले कि
कैसे आए हो? हमने कहा आपको इनवाइट करने के लिए आए यूनियन के उद्घाटन में. डू यू नो हु एम आई? यस आई नो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यू वांट द प्राइम मिनिस्टर टू कम टू स्टूडेंट यूनियन टू इनॉग्रेट? ऑफ कोर्स. क्यों? मैंने कहा देखो, आप यदि बोलोगे तो सारे हिंदुस्तान के युवकों को मैसेज जाएगा. उनको लगा हाँ ठीक है. बोले कि अच्छा मैं आ जाऊँगा. अच्छा अच्छा. वो उन्होंने आपको विश्वास था कि आएंगे? नहीं, मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ. अच्छा. मुझे लगा कि कह तो दिया है लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे. अब वो कह दिया. मैं आया लौट के तो मैं के वाइस चांसलर. मैंने उनसे कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था. उन्होंने कह दिया हम आपकी यूनियन का उद्घाटन करने आएंगे. मैं चिट्ठी उनको दे आया हूँ. उन्होंने तो कह दिया मैं आऊँगा. अरे बेवकूफ ऐसे आते हैं. उन्होंने डट डूट दिया मुझे. हम चले आए. उसके बाद 10 दिन के बाद चिट्ठी उनकी रजिस्ट्रार को भी पहुँची, मेरे पास भी आई. मैं जैसे ही चिट्ठी आई दौड़ के लेके पहुँचा और रजिस्ट्रार 5 मिनट बाद पहुँचे. ये तो प्राइम मिनिस्टर के आगे चिट्ठी आई आ रहे हैं. तब उनको यकीन हुआ. फिर डीन को बुलाओ, रजिस्ट्रार को बुलाओ, सारे डीन्स को बुलाओ. सब मीटिंग हुई और बड़ा भारी इंतजाम क्वाड्रेंगल में हुआ. आर्ट्स क्वाड्रेंगल बड़ा इंतजाम हुआ. तो पुलिस पुलिस सारी दुनिया भर की चीज़ें. तो सर तो पंडित नेहरू ने हमारी यूनियन का उद्घाटन किया. अकेली यूनियन है जिसका पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया. और मेरे ख्याल से किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स यूनियन का किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं किया. दैट वॉज द ओनली वन यूनियन जिसका उद्घाटन हुआ पंडित नेहरू ने किया. और उसमें गिरी साहब भी आए.